कुछ लोग आपको अच्छा देखना ही नहीं चाहते हैं, उनको आप रोते रहिए, गाते रहिए, आप भीख मांगिए, आप तब वो आपको इस तरह से देखना पसंद करेंगे। फैनी में जी रहे हैं, आज मेरे साथ हो रहा है ना, आज इस देश में कई लड़कियों के साथ हो रहा है जो कि अपना मुंह खोल भी नहीं पाती हैं, शायद उनको कुछ कर दिया जाता है वही मर जाती हैं और उनके पेरेंट भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। अच्छा वो गाना गा के सुना दो तो। सबको अच्छा रखे, किसी को हम लोग को भी बढ़िया रखे। मम्मी की तो धीरे बोलती है ना। भगवान से प्रार्थना करते हैं। सारा खा गई थी। अरे थैंक यू बच्चा मेरा। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक है क्योंकि मेरे साथ आप लोग जैसे अच्छे अच्छे सपोर्टर्स हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद है तो सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया है। तो आज है 17 अगस्त और मौसम एकदम बारिश वाला हुआ पड़ा है और अभी जस्ट पूजा पाठ खत्म हुआ, मम्मी पूजा पाठ की क्योंकि आज बृहस्पतिवार है। मम्मी कुछ बोल दो। पूजा पाठ कर देते हैं, भगवान सबको अच्छा रखे, किसी को हम लोग को बढ़िया रखे। मम्मी की तो धीरे बोलती है ना। भगवान से प्रार्थना करते हैं। और अभी जो टाइम हो रहा है वो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, देखिए टाइम हो रहा है 12:20, बहुत टाइम हो गया, कुछ खाए पिए नहीं अभी तक हम लोग। और नाश्ता वाश्ता सब बन गया है और मौली अभी जस्ट स्कूल से आई है। तुम अभी स्कूल से आई हो बेटा? मजा आया स्कूल में? ये क्या लन फन चीज खाते रहती हो तुम बाबू? छुपा छुप्स खाली उटपटांग चीज, खाली उटपटांग चीज, इसको अच्छा लगता है। मौसम देखिए, मौसम तो मौसम हो रखा है एकदम, ये देखिए बारिश पूरा बारिश हो रहा है। जा रहे नाश्ता करने, इसको भी खिलाएंगे। तुम टिफिन अपना फिनिश की थी? छिलका सॉस खाई थी? हाँ कैसा लगा था? अच्छा लगा था। सारा खा गई थी। अरे थैंक यू बच्चा मेरा। ठीक है लल्ला बना देंगे। अभी रोटी लाना, खाओगी ना? छिलका खाओगी? ठीक है तो अभी नाश्ता लाते हैं, नाश्ता पहले बाबू को भी थोड़ा बहुत खिलाते हैं और बस हम भी खाते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइज अभी हो गया है शाम का टाइम और हम चले दिया बत्ती करने, मौली ट्यूशन से आ गई है और पापा का तबीयत बहुत ज्यादा सही नहीं है, थोड़ा मौसम वोसम को लेकर के भी। तो पापा घर ही पे हैं और पापा लेटे हुए हैं, निकी यहाँ बैठ करके मुरमुरा खा रही है, मम्मी यहाँ बैठ के सब्जी बना रही है, मौली यहाँ बदमाशी कर रही है। दूध ला रहे तुम पी लो? नहीं क्या लेगा? शाम का टाइम हो गया है 6:20, शाम हो गया। मौली को दूध पिला करके जा रहे संजोत करने, दिया बत्ती करने। तो गाइस हो गया है शाम और ये देखिए बदमाशवा ट्यूशन से आके और मोबाइल वोबाइल देखने एकदम बैठ गई है। ऐ क्या नाम है तुम्हारा? मौली अग्रवाल। मार के तुमको ठीक कर देंगे बदमाशवा। अच्छा वो गाना गा के सुना दो तो। गाना गाने के लिए बोले थे जैसे उछालने के लिए नहीं, खाली बदमाशी दिन भर। ट्यूशन जाते समय ना बहुत रोना आ रहा था है ना, हम जबरदस्ती भेजे ट्यूशन कि भागो ट्यूशन जाना ही जाना है। अभी हो गया है शाम और हम दियावती कर ली है शाम का। बाप रे मेरे घर में कितना सीरियल चलता है रे बाबा, ये तो हम देख के पगला जाएंगे एकदम। ये देखिए मम्मी भी यहाँ बैठ करके, पापा का तो तबियत भी उतना बढ़िया नहीं है, निक्की रानी भी यहाँ पे, यहाँ सब बैठ करके भाग्य लक्ष्मी के दीवाने हैं। ये देखिए
क्या ही बोले, लेकिन अभी हम भी यहाँ पे बैठेंगे। हम अकेले अकेले बैठ के ज्यादा ना अच्छा नहीं लगता है, हम भी यहीं पे बैठेंगे थोड़ा देर सबके साथ। सीरियल तो देखते नहीं है, लेकिन क्या करें, हम अपना मोबाइल में कुछ कुछ करेंगे, यही सब हम नहीं देखते हैं, मेलो ड्रामा बाबा ना ना। हे एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे और कल रात को हम ब्लॉग भी एंड नहीं किए। लाइट कटा हुआ है और जोर जोर का बारिश आ रहा है। लाइट का तो स्थिति इतना इतना गंभीर है ना कि क्या ही बताए, और एकदम जोर जोर से बारिश हो रहा है। पापा भी दुकान उकान नहीं गए अभी, क्योंकि पापा का थोड़ा तबीयत उबियत उतना सही नहीं है, इसलिए वो जा नहीं रहे अभी दुकान। और अभी देखिए अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 2:27। यार एक बात हमको शेयर करना है, मतलब शेयर क्या करना है, हमको आप ही लोग से ये पूछना है कि हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो पता नहीं कुछ लोग को क्या प्रॉब्लम है मेरे वीडियो बनाने से। वीडियो हम बना रहे, पोस्ट हम कर रहे, हम अपने बारे में बोल रहे, हम किसी और के बारे में तो बोल नहीं रहे, फिर किसी और के इज्जत का नीलामी कैसे हुआ? ये वीडियो ही बना करके अभी हम अपना सब कुछ कर रहे हैं, जो भी है, किसी से 2 रुपए तो हम मांग नहीं रहे कि हाँ हमको दे दो भाई कुछ भी, तो फिर क्यों तकलीफ है? कुछ लोग पता है अभी आजकल के दिन में हम नोटिस कर रहे हैं, कुछ लोग हमको देखते हैं ना, तो मतलब बहुत करीबी लोग तो ऐसे इतना गंदा मुंह बनाएंगे अजीब अजीब तरीके से, मतलब ऐसे देखेंगे तो देखते ही रहेंगे, और मतलब अजीब तरीके से उनका मिलना सिंपथी वाला नजर नहीं रहता है, उनका गंदा वाला नजर, मतलब हमको भी थोड़ा सा खराब लग जाता है, लेकिन फिर भी हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। हम बोलते हैं कि तुमसे हम पैसा मांगने नहीं आ रहे ना बाबू, या फिर आपके घर में हम रोटी मांगने तो आ नहीं रहे कि आपको मिर्चा लग रहा है। कि वीडियो हम अपने बारे में बना रहे हैं, मेरे साथ जो हुआ जो भी हुआ वो रियलिटी हम दिखा रहे हैं, और जो हुआ वही दिखा रहे हैं ना, कुछ बना के तो दिखा नहीं रहे। तुमको पसंद है, आपको पसंद है आप देखिए, नहीं पसंद है मत देखिए, तो फिर आपको इतना प्रॉब्लम क्यों है? आपका मुंह नाक बनाने से ऐसा थोड़ी है कि हम कल से वीडियो बनाना बंद कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मतलब क्या ही बोला जाए, क्या आज की डेट में जो मेरा नीड है, मेरा जो एक्सपेंसेस है, मेरा जो खर्चा है, कोई पूरा कर देगा क्या? कोई पूरा कर देगा? आज अगर 30,000 रुपया 20,000 रुपया मेरा खर्चा है, मेरे बच्चे का खर्चा है, तो कोई हमको ला करके हर महीना 30,000 रुपया दे देगा हाथ में कि हाँ लीजिए शिवानी, लीजिए कुकू, ये आपके लिए हर महीना हम आपको भेज देंगे, हम आपको दे देंगे, आप वीडियो मत बनाइए? नहीं बनाएंगे। इतना जिसको मिलेगा फैसिलिटी वो क्यों बनाएगा? लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग को ना, कुछ लोग आपको अच्छा देखना ही नहीं चाहते हैं, उनको आप रोते रहिए गाते रहिए, आप भीख मांगिए, आप तब वो आपको इस तरह से देखना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप कुछ काम कर रहे हैं अपने निजी जिंदगी को ना, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरह से रिप्रेजेंट करना, वो भी आसान बात नहीं था। भले मेरे साथ सही हुआ गलत हुआ जो भी हुआ, अपने बारे में भी लोग सच्चाई नहीं बोल पाते हैं भाई, लेकिन मेरे साथ जो गलत हुआ उसके बारे में हम बताए, फिर भी कुछ लोग को देख करके जब हम यहाँ से 2 रुपया कमाने लगे, अपना खर्चा उठाने लगे, अपने बच्चे का खर्चा उठाने लगे, तब कुछ लोग को प्रॉब्लम हो गया कि क्यों, कैसे कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, ये काम क्यों कर रही है, वो काम क्यों नहीं कर रही है। तो भैया इतना प्रॉब्लम है तो दो ना हर महीना पैसा, हमको हर महीना 30,000 20,000 रुपया रख दो मेरे हाथ में, मेरा खर्चा चल जाएगा। क्योंकि मेरे मेरे घर तो ऐसा नहीं है कि मेरा कोई बड़ा भाई है कमाने वाला, मेरे पापा भी ओल्ड हो गए हैं, मेरे साथ इतना हुआ भी, जो लीगली शादी दिया सामाजिक तौर पे किया वो भी छोड़ के भाग गया, वो हर जिम्मेदारी से भाग गया, तो क्यों ना दिखाए? आज मेरा जिंदगी बर्बाद किया, कल किसी और का कर देगा, तो ऐसा लोग को तो एक्सपोज करना ही था, और बिल्कुल करना था, इसमें गलत क्या है? कुछ गलत नहीं है, जो गलत है वो भाग गया, जो सही था वो आज भी अपने घर में बैठे हुए हैं, क्यों भागे? और जो कुछ दिन पहले हम कुछ कमेंट पढ़े थे, वो जो हम वो वीडियो अपलोड किए थे कि खून खौल गया मेरा उस औरत को देख करके, तो एक कमेंट हम पढ़े थे कि आपकी ननद को भी तो लगा होगा कि वो भी आपको जूता खोल के मारे, तो अगर ऐसा कुछ सीन है ना, ऐसा अगर कुछ सीन है तो फिर सला लास्ट लास्ट तक हो ही जाए, लेकिन ये सब इतना गिरा हुआ हरकत हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम आज भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, मतलब
ये सारा कुछ हम देखते हैं ना, इन लोग को कभी रास्ते बिरास्ते में हमको मिल जाती है ना, तो हमको सारा कुछ याद आने लगता है अपना। तो हम एकदम बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, इसीलिए तुम चाह रहे थे कि जल्दी से सब चीज़ मैटर खत्म हो, क्योंकि लाख आप केस मुकदमा भी कीजिएगा ना तो लास्ट में वो जाके कॉम्प्रोमाइज ही होगा। रखने का तो इसका है नहीं मेरे ससुराल वाले का, अगर रखना होता तो ये लोग कब तक रख लिया होता, तो रखने का बातें नहीं है। और नहीं रखना है तो हम जान रहे कि केस करके क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। अगर जेल भी जाएगा तो बेल पे बाहर आ जाएगा, तो फिर जेल पहुंचा के भी क्या फायदा, और हम जेल उसको ऐसे भी भिजवाना ही नहीं चाहते थे, मेरा ये था ही नहीं, क्योंकि हम मेरा कुछ और ही सीन था उसके साथ, तो हम अपने पति के साथ तो हम वो करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन कुछ लोग को ना समझ में आता ही नहीं है, उनको लगता है ना कि बस आज मेरा जीवन तो बहुत अच्छे से चल रहा है ना, मेरे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता है, हमारी घर की बेटियों के साथ तो गलत हो ही नहीं सकता है। तो बहन जी आप बहुत बड़े गलत फैमिली में जी रहे हैं, आज मेरे साथ हो रहा है ना, आज इस देश में कई लड़कियों के साथ हो रहा है जो कि अपना मुंह खोल भी नहीं पाती हैं, शायद उनको कुछ कर दिया जाता है वही मर जाती हैं और उनके पेरेंट भी कुछ नहीं बोल पाते हैं, लेकिन हम आए हैं सामने, कुछ गलत हुआ है तो आए हैं सामने और दुनिया को दिखा रहे कि हाँ ये गलत हुआ है। लेकिन अभी गलत को गलत बोलने वाले बहुत कम लोग हैं ना, बहुत कम लोग हैं। तो बकायदा हमको देख करके आपका मुंह नाक टेढ़ा करने से कोई फायदा नहीं है, मेरे सामने खास करके, मेरा जो काम है ना वो तो हम करेंगे कंटिन्यू। बाकी आपको अगर हमसे ज्यादा दिक्कत परेशानी है तो काला चश्मा लगा करके चलिए, या फिर आप हमको देखना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका आधा टेढ़ा लगना मुंह बनाने से मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, आपका बहुत कुछ जा सकता है। आपका मुंह हो सके तो हनुमान भैया जी वैसे ही करते चाहे जो भी, तो मेरे से उलझने का कोई मायने मतलब नहीं है। और आप अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानी है मेरे वीडियो बनाने से, तो आपसे मेरा विनती है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि 30,000 रुपया महीना हमको हाथ में ला करके दे दीजिए, तब हम जानेंगे कि आप मेरे बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, आपको मेरे इज्जत का बहुत परवाह, बहुत ज्यादा परवाह है, ये चीज है। और ये हमको बोलना बहुत जरूरी था कुछ लोगों के लिए, बहुत जरूरी था, क्योंकि आज के डेट में किसी से हम 2 रुपया मांग नहीं रहे और कोई मेरा चला नहीं रहा और हमको किसी से मांगना भी नहीं है, अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 2 पैसा कमा रहे हैं। ब्लॉगिंग आज के डेट में हर कोई कर रहा है, क्या गलत कर रहे हैं, ब्लॉगिंग ही तो कर रहे हैं। और हर जगह वीडियो बनाना, मतलब कहीं भी अगर हमको लगता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो मेरा कैसे चलेगा, तो करना ही है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो करना ही है, तो यही बोलना था हमको। और जो लोग हमको पहली बार मेरे चैनल पे देख रहे होंगे ना, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे हम अपने मेरा जो लाइफ है वो रियलिटी को हम प्रेजेंट करते हैं और हम बताते हैं कि हाँ ये चीज है वो चीज है, जो है सब सच्चाई है, कुछ झूठ या दिखावा या बनावटी हम नहीं बताते हैं, यही चीज है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जिन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो था, आई होप कि उन तक पहुंच गया होगा और वो लोग एकदम अपना आंख देख लिए होंगे, सॉरी बुरा लगा हो तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे वाले वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू। हे एवरीवन,